सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट 24 वीडियो, जहां पे आज हम लोग आईपीएल 2024 का आरसीबी वर्सेस सीएसके का पहला मैच खेलने वाले हैं। सीएसके के होम पे मींस एमए चिदंबरम स्टेडियम पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके नहीं रखा है तो प्लीज़ कर देना। ये रही दोनों टीम्स की प्लेइंग लाइनअप, ये देख सकते हो आप लोग, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख लेना आराम से। पिच की कंडीशन रखी है मैंने ड्राइव, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ड्राइव विकेट ही होती है। ठीक है, चलो भाई अभी टॉस टाइम हो चुका है। बाय द वे मैं इस मैच में आरसीबी से खेलने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी टीम फेवरेट टीम आरसीबी है तो उसी से ही मैं खेलूँगा। चलिए टॉस जीत के पहली बॉलिंग चुनी है। चेज मास्टर हमारी टीम में है, बॉलिंग करेंगे, चेज करेंगे। सो चलो भाई आईपीएल 2024 की फर्स्ट बॉल डालेंगे मोहम्मद सिराज, सामने है रचिन रविंद्र। एंड भाई पहली बॉल ही क्या ही तगड़ी डाली, फर्स्ट बॉल तो रचिन रविंद्र समझ ही नहीं पाए। सेकेंड बॉल सिराज की, इस बार फ्लिक खेल के खाता खोल लिया है अपना और अपनी टीम का। वैसे मोहम्मद सिराज ने अभी तक बहुत सही बॉलिंग की है, तीन बॉल पे ओनली एक रन ही दिया। ओहो हो, सीधा रचिन रविंद्र को जाके बॉल लगी है भाई। ये देख लो आईपीएल 2024 के पहले ओवर पे ही ये कांड हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ ने स्ट्रेट ड्राइव खेला था भाई, बहुत पावरफुल शॉट था और सीधा रचिन रविंद्र के बॉडी पे जाके बॉल लगी भाई। बहुत ज़्यादा मीन्स दर्द हुआ होगा भाई 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 भाई। चलो चार बॉल पे एक रन मोहम्मद सिराज की, बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक। ओहो हो, मोहम्मद सिराज पहले ओवर पे ही विकेट चटकाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ की भाई। तीन बॉल पे कोई रन नहीं बनाया, बहुत फर्स्ट रेटेड है ऋतुराज गायकवाड़। तीसरे नंबर पे आएंगे अजिंक्य रहाणे। चलो भाई पहले ओवर की आखिरी बॉल और अजिंक्य रहाणे की फर्स्ट बॉल। ओके, कवर ड्राइव के साथ में ओवर को ख़त्म किया है मियां भाई का, बहुत अच्छा ओवर, ओनली एक रन दिया। सेकेंड ओवर टोपला डालेंगे हम, प्यार से इसको हम टोपला बुलाते हैं। चलो भाई टोपला भाई की फर्स्ट बॉल, रचिन रविंद्र ऑन स्ट्राइक। अच्छा नो बॉल डाल दी भाई, आउटसाइड एज लगा पर नो बॉल है, क्या फ़ायदा यहाँ पे। फ्री हिट भी मिलेगी अभी, फ्री हिट में अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक में है, लेट्स सी। पुल खेला है भाई मिड विकेट के दिशा में, वहाँ पे कोई फील्डर भी नहीं है, पहली बाउंड्री आ चुकी है अभी भाई। मतलब रीस टोपली ने आते ही बॉलिंग अच्छी की है, बट एक नो बॉल डाल दी वो बहुत गलत चीज़ की। वेल इस बार तो फ्री हिट भी नहीं थी, फिर भी चौका मार दिया अजिंक्य रहाणे, बहुत सही बैटिंग भाई। टोपली से आउट स्विंगर बहुत सही डाली थी, एक बार फिर से आउट स्विंगर, लेट्स सी। ओहो आउट स्विंगर में इनसाइड एज लग के चौका मिल गया। अभी मियां भाई को नहीं लाएंगे तीसरे ओवर पे, अभी आ चुके हैं कैमरन ग्रीन, लेट्स सी। दो ओवर के बाद में 18 पे एक, कैमरन ग्रीन की फर्स्ट बॉल। ओके फ्लिक खेल के सिंगल मिलेगा रहाणे को, रचिन रविंद्र ऑन स्ट्राइक। और आउट है क्या, मुझे तो ये आउट लग रहा है, प्लम्ब था ब्रो। रचिन रविंद्र भी आउट, दोनों ओपनर्स पेवेलियन पे जा चुके हैं। आरसीबी की बॉलिंग बहुत सही हो रही है अभी तक भाई भाई भाई, क्या सीएसके के हरा देंगे पहली मैच में आरसीबी वाले। यहाँ पे तो रविंद्र ने रिव्यू लिया है, लेट्स सी। इंपैक्ट इन लाइन एंड नहीं भाई, रिव्यू सक्सेसफुल जाता हुआ, यहाँ पे विकेट मिसिंग है। यहाँ पे अभी भी कैमरन ग्रीन को फर्स्ट विकेट नहीं मिली है, कोई बात नहीं, उस बॉल पे विकेट नहीं मिली थी, एक बार फिर से वही बॉल, लेट्स सी। अबे यार इस बार भी बच गया ये भाई, दो बार उसी बॉल पे बचा है, इस बार मैंने फुल लेंथ की रखी है इन स्विंगर। लो भाई चौका मार दिया इस बार यहाँ पे, कैमरन ग्रीन की लास्ट बॉल है, पांच बॉल पे छह रन दिए है रहाणे ऑन स्ट्राइक। ओके चलो भाई सिंगल मिल गया लास्ट बॉल पे, तीन ओवर के बाद में 25 पे एक, टोपली को मैंने बैक किया है, लेट्स सी क्या वो विकेट ले पाएंगे। पहले ओवर में दिए थे 17 रन, विकेट लिए भाई, मैंने बैक किया था, मैं बोल रहा हूँ बैक किया मैंने, और अजिंक्य रहाणे को ही आउट किया भाई। इसके पहले वाली ओवर पे बहुत ज़्यादा पीटा था, लेट्स गो भाई। ये होता है बॉलर को बैक करने का फ़ायदा, अजिंक्य रहाणे 9 बॉल पे 15 बना के आउट। मिचेल भाई आ चुके हैं अभी, अभी क्रीज पे दोनों न्यूजीलैंड वाले हैं, लेट्स सी। ओके एक विकेट मिलने के बाद में बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, एक इन स्विंगर डालते हैं। ओके कैच, बहुत डिफिकल्ट कैच है कोहली भाई के लिए, और क्या हुआ ये, आउट है क्या, कैसे भाई, रिप्ले देखने दो मुझे। ओके मेरे पास में ऑप्शन आया था एंड, वाह तो ऑप्शन क्यों आया मेरे पास में, अगर यही करना था तो नल्ली गेम है ये।
चलो आखिरी बॉल है रिस्ट टॉपले की, मात्र 2 रन दिए हैं 5 बॉल पे, लेट्स सी। ओके भाई 2 ही रहने चाहिए थे पर यहाँ पे हो जाएंगे 3 रन मिसफील्डिंग के चलते, 4 ओवर के बाद में 28 पे 2। चलो भाई यहाँ पे अभी स्पिनर को भी लाते हैं, करण शर्मा ने 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं। करण शर्मा के सामने डेरली मिचल, ओके बहुत बढ़िया, फर्स्ट बॉल 1 ही रन मिलेगा। चलो भाई रचिन रविंद्र ऑन स्ट्राइक, ओके ओ हो डुप्लेसिस का भाई सुपरमैन कैच, भाई 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 रचिन रविंद्र को फाइनली आउट कर दिया करण शर्मा ने। वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे पर यहाँ पे नहीं, लेट्स गो। ये देख लो भाई रिप्ले, यहाँ पे सुपरमैन कैच, इसीलिए मैंने स्लिप रखी थी भाई, ये शायद 3री स्लिप पे था, वहाँ पे जाके कैच कर लिया 1ली स्लिप पे। 12 बॉल पे 10 रन बना के आउट, दुबे जी आ चुके हैं अभी। चलो भाई बहुत अच्छी बॉलिंग, 3 बॉल पे ओनली 2 रन दिए, एंड भाई ये 2 रहने नहीं देंगे डेरली मिचल, चौका मार दिया यहाँ पे भाई। मिचल सभी दिशा में खेलेगा, थोड़ा देखना होगा हमें। ओके इस बार वहाँ पे फील्डर है, क्या कैच हो सकता है? ओके मयंक डांगर नीचे है, ईजी हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा कम बैक यहाँ पे भाई करण शर्मा का, चौके के बाद में सीधा आउट कर दिया। क्या करण शर्मा आज के मैच के हीरो बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक पहले ओवर पे 2 विकेट चटका चुके हैं वो। मिचल भी गोन 5 बॉल पे 7 बना के, रविंद्र जडेजा आ चुके हैं भाई। करण शर्मा ने 2 विकेट लिए, इसलिए मैंने सेकंड स्पिनर को भी बुला लिया है मयंक डांगर को। रुको भाई मैं फील्ड सेट करके आता हूँ। चलो भाई फील्ड सेट हो चुकी है, रविंद्र जडेजा ऑन स्ट्राइक, लेट्स सी। ओ भाई रविंद्र जडेजा स्विच हिट कब से खेलने लगे भाई, रियल लाइफ में तो कभी भी स्विच हिट नहीं खेला है जड्डू भाई ने, पर यहाँ पे गेम में खेल दिया। ओके बच गए यहाँ पे इस बॉल पे, लेट्स सी भाई आखिरी बॉल पे क्या होता है। 4 रन दिए ओनली, एंड आखिरी बॉल भी वो फील्डर के हाथ में, भाई सभी बॉल वो फील्डर के हाथ में ही गई है। करण शर्मा बैक इन टू दी अटैक, अबे यार इनसाइड एड लग गया है, रन दो नॉट आउट है। कम ऑन भाई दूसरी बॉल, क्या विकेट मिलेगी? वेल नहीं मिलेगी यहाँ पे, चौका मार दिया। चलो भाई दुबे ने चौका मारा है, अभी आउट तो करना होगा। वेल भाई दूसरा चौका भी मार दिया दुबे ने, आउट तो छोड़ो 2 चौके मार दिए। करण शर्मा दुबे को तो आउट नहीं कर पाए, और जड्डू भाई को शायद कर लिया। ओके इजी कैच, ओके हो जाएगा, नाइस बहुत अच्छा कैच यहाँ पे। जड्डू भाई भी गॉन, करण शर्मा ने 2 ओवर पे 3 विकेट लिए, नाइस। महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं अभी थाला, क्या अपनी टीम को ये मुश्किल सिचुएशन में से बाहर निकल पाएंगे? वो तो जब स्ट्राइक में आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल तो दुबे स्ट्राइक में है, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 14 रन पे पहुंच चुके हैं वो। मयंक डागर ने एक बार फिर से बहुत अच्छा कमबैक किया है चौका खाने के बाद में भाई, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, जब भी तारीफ करता हूँ तब चौके छक्के ही पड़ते हैं। एक आर्मर बॉल डाल के देख लेते हैं यहाँ पे भाई, शिवम दुबे इन पैरेलल यूनिवर्स। 8 ओवर हो चुकी है, 61 पे 5, दुबे ऑन स्ट्राइक, ओके 1 रन ही मिलेगा। चलो भाई एमएस धोनी अपनी पहली बॉल खेलते हुए, फील्डिंग देख लो यहाँ पे आप भाई भाई भाई, वहाँ पे मैंने 3 फील्डर रखे फिर भी वही दिशा में शॉट खेला, पहली बॉल पे छक्का मार दिया एमएस धोनी ने भाई, मतलब धोनी को डर ही नहीं लगता जहाँ पे भी फील्डर हो। लेट्स सी एक बार फिर से वही शॉट, बट इस बार कैच हो जाएगा भाई, हर बार छक्का नहीं जाता धोनी भाई। दूसरी बॉल पे आउट हो गए धोनी भाई यहाँ पे। कैमरन ग्रीन ने बहुत सही कमबैक किया, बहुत सही भाई। अभी आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर भाई, लॉर्ड ठाकुर भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके फिलहाल तो पहली बॉल डॉट खेली है। चलो भाई लास्ट बॉल है कैमरन ग्रीन की, ओनली 7 रन दिए है सेकेंड लास्ट ओवर पे, सही बॉलिंग अभी तक, एंड 8 रन हो जाएंगे इस ओवर पे, फिर भी बहुत सही बॉलिंग भाई। CSK को हम लोग शायद 80 के अंदर रोक सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात होगी RCB के लिए। चलो भाई मियां भाई आ चुके हैं आखिरी ओवर डालने के लिए, 1 ओवर में ओनली 1 रन दिया था और 1 विकेट ली थी, 1-1-1। मियां भाई को 1 बहुत ही पसंद आ चुका है ये मैच में। चलो भाई पहली बॉल, बट फिलहाल तो भाई ठाकुर ने गरबा खेल के चौका मार दिया भाई, चौके के बाद में बहुत सही कमबैक किया है मियां भाई ने, लेट्स सी। अबे यार कोई फील्डर ही नहीं है, एक और चौका,
मियां भाई फिर से कमबैक कर डालो, लेट्स गो, दो बॉल डॉट निकाल दो भाई। ठाकुर मैंने बोला था हल्के में नहीं ले सकते इनको भाई। भाई भाई आखिरी बॉल पे चौका, इस ओवर में से चार चौके आए मियां भाई के। ठाकुर ने बहुत सही बैटिंग की, फिर भी इतना ज़्यादा टोटल तो है नहीं, इजीली हम लोग चेस कर सकते हैं। ठीक है 87 रन चाहिए, 10 ओवर पे इजीली हो जाएंगे। आरसीबी के ओपनर्स आ चुके हैं विराट कोहली और फफ डुप्लेसिस, लेट्स सी। और सामने फर्स्ट ओवर डालेंगे दीपक चाहर। चलो भाई सेकेंड इनिंग की फर्स्ट बॉल, लेट्स सी। ओके भाई कवर ड्राइव खेला है, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे भाई। फर्स्ट बॉल पे ही डुप्लेसिस की विकेट चली गई रन आउट के चलते। आरसीबी के लिए बहुत ही खराब स्टार्ट। तीसरे नंबर पे रजत पाटीदार आएंगे भाई, यार ये नहीं चलेगा, बहुत घटिया रनिंग बिटवीन द विकेट। कोहली भाई ऑन स्ट्राइक, बहुत बढ़िया कट खेला है, चौका मिल जाएगा कोहली भाई को फर्स्ट बॉल पे। भाई चौके के बाद में दो बॉल डॉट चली गई है। ओके ये तो वाइड होनी चाहिए। चलो भाई दीपक चहर की आखिरी बॉल, पांच बॉल पे ओनली 5 रन दिए, वेल 5 रहने नहीं देंगे कोहली। ओहो भाई क्या ही तगड़ा कट था ये तो, बहुत ही खतरनाक कट भाई। दीपक चहर भी मतलब देखते रह गए, बहुत पावरफुल था भाई। मुस्तफिजुर रहमान आ चुके हैं क्योंकि मथीसा पथिराना इंजर्ड है, स्टार्टिंग में वो नहीं खेलने वाले हैं। लेट्स सी मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पे कैसी बॉलिंग करेंगे सीएसके की टीम में। पाटीदार ऑन स्ट्राइक, ओके पहली बॉल वाइड डाली, अब जाके पहली बॉल होगी रहमान की। शॉट पाटीदार ओवर द कवर, चौका यहाँ पे फर्स्ट बॉल पे। पाटीदार ने तो आते ही बता दिया है भाई मैं अटैक करने वाला हूँ। दूसरी बॉल एक बार फिर से वही शॉट, बट इस बार 6 मिलेंगे ब्रो। भाई 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 चौके के बाद में छक्का, 1-4 आ चुका है, 1-6 आ चुका है। लेट्स सी इस बॉल पे क्या आएगा। एक बार फिर से सेम शॉट एंड सेम रिजल्ट, टू बैक छक्के लगा दिए। मुस्तफिजुर रहमान भाई किधर बॉलिंग कर रहे हो। एक बार फिर से वही बॉल, एक बार फिर से वही शॉट, क्या हो चुका है भाई, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। धोनी भाई ने अब जाके वहाँ पे फील्डर रखा है। लेट्स सी इस बॉल पे क्या होएगा। इस बार लेग में खेल दिया धोनी भाई के माइंड से खेल रहे अभी रजत पाटीदार, बहुत सही बैटिंग। भाई विराट कोहली का काम रजत पाटीदार ने बहुत इजी कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे रन बना दिए इस ओवर पे। और मुस्तफिजुर रहमान गलत लाइन लेंथ पे बॉलिंग करे जा रहे हैं तो हम इजीली रन बनाए जा रहे हैं। 6 बॉल पे 30 रन बना लिए, 2 ओवर पे 42 रन, प्रॉपर आरसीबी वाली स्टार्टिंग हुई है। लेट्स सी इस बार कोहली भाई नहीं रुकेंगे। दीपक चहर को एक बार फिर से कट खेल के चौका मार दिया भाई। क्या ये आरसीबी के लिए फास्टेस्ट 50 हो सकती है, अभी तक ओनली 13 बॉल ही हुए हैं। एंड इस बार भी गेप में चला गया, आरसीबी की 50 हो चुकी है और दोनों के बीच में 50 पार्टनरशिप भी हो चुकी है। 14 बॉल पे आरसीबी ने 50 बना ली। चलो भाई दो चौके आ चुके हैं इस ओवर पे, लेट्स सी। ओके नहीं इस बार गेप में नहीं गया, सिंगल ही मिला। वैसे आपको मैं डिफ़िकल्टी भी दिखा देता हूँ, यह देख लो सभी हार्डेस्ट ही है। इसमें मैंने एक ही चेंज किया है, जब स्पिनर आएंगे तब स्पिन टाइमिंग विंडो 83 कर रखी है, बाकी सब हार्डेस्ट है। देख लो यहाँ पे AI लेजेंड बॉलिंग हार्डेस्ट सभी हार्डेस्ट ही है, ठीक है देख लेना। रजत पाटीदार दीपक चहर के सामने, भाई सामने मुस्तफिजुर रहमान हो या फिर दीपक चहर, एक ही शॉट निकलेगा पाटीदार के बल्ले से और छक्का ही मिलेगा। भाई मैं आपको बता देता हूँ पहला मैच है कल, शायद पाटीदार बहुत अच्छा भी खेल सकते हैं यहाँ पे। मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया है दीपक चहर ने। ये देख लो दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे, सामने थे रजत पाटीदार। भाई इसके पहले वाली बॉल पे एक छक्का मारा था और ये वाली बॉल पे मुंह तोड़ जवाब दिया है दीपक चहर ने। भाई रजत पाटीदार को बहुत गंदी वाली लगी है भाई। भाई भाई ये देख लो एक बार फिर से भाई, 149 की स्पीड से बॉल थी ये। अभी थर्ड ओवर डालने के लिए आ चुके हैं ठाकुर। ओके सिंगल मिलेगा यहाँ पे भाई। ये ठाकुर ने कौन सी फील्डिंग रख दी है, ये सटक गई है क्या ठाकुर। भाई चौका छक्का इजीली मिल सकता है हमें, पर मिलेगा नहीं भाई, ये माइंड गेम खेलेगा ना ठाकुर हमारे साथ में। ओके ये फील्ड चेंज करने का आइडिया MS धोनी को ही आया होगा, ठाकुर का तो नहीं होगा पक्का।
ओके ये बॉल वाइड होगी भाई। चलो भाई इस फील्ड पे एक चौका मारना है हमें, लेट्स सी। ओके एमएस धोनी का मास्टर माइंड देख रहे हो आप। सभी फील्डर 30 यार्ड के अंदर रखे थे क्योंकि मुझे शॉट खिलाना था, और यहाँ पे ठाकुर ने वही काम किया, मुझे शॉट खिलाया, उसमें आउटसाइड एज लगी और धोनी भाई का सुपरमैन कैच। भाई ये गेम तो मतलब धोनी भाई जीत गए मेरे सामने। 11 बॉल पे 36 बना के आउट रजत पाटीदार। चौथे नंबर पे आ चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल। भाई ये थोड़ी टुल्लेबाजी करेगा, थोड़ा देखना होगा। कम ऑन ग्लेन मैक्सवेल, टुल्लेबाजी कर दो यहाँ पे आप, मार दो एक छक्का। ओके मैंने बोला और मैक्सवेल ने घुमा दिया है बल्ला, और 6 रन मिल जाएंगे मैक्सवेल को जड्डू भाई के सामने। वैसे जड्डू और मैक्सवेल की कुछ अलग ही राइवल रही है, हर बार मैक्सवेल को आउट करके जाता है जड्डू। लेट्स सी ये मैच में कर पाते हैं या नहीं। 3 बॉल पे 9 रन आ चुके हैं इस ओवर पे से। चौथी बॉल जड्डू भाई की, इस बार मिस टाइम हुआ और धोनी भाई रन आउट कर दिया। यार आधी पिच पे बुला के मैंने मना कर दिया, मेरी गलती ही थी। ठाकुर ने बहुत सही ओवर डाला है, 3 बॉल पे ओनली 1 रन दिया है। लेट्स सी कैमरन ग्रीन ओपी। 25 बॉल पे 12 रन चाहिए अभी। आईपीएल 2024 का पहला मैच, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी जीतेगी क्योंकि विराट कोहली और कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी तो ओनली 8 रन ही चाहिए, इस ओवर में ही मैं ख़त्म करने को देखूंगा। ओके टाइमिंग थोड़ी ख़राब हुई पर 1 रन मिल जाएगा भाई। 1 ही रन दिया है जड्डू भाई ने 4 बॉल पे। ओहो ये क्या था भाई, रिप्ले देखो यहाँ पे, कुछ यूनिक टाइप का शॉट ये देखना है। यहाँ पे जड्डू भाई बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ स्पिनर डाली थी, ये देखो भाई बैट के आर पार बॉल गई, ये देख लिया भाई, ये देखो। ओहो भाई और धोनी भाई ने कैच भी कर लिया बहुत ही इजीली। भाई 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 मतलब क्या चल रहा है ये गेम में, कुछ यूनिक टाइप का शॉट और यूनिक टाइप का कैच भी। चलो भाई तीक्ष्णा आ चुके अभी बॉलिंग करने के लिए, 17 बॉल पे 6 रन चाहिए। ओ भाई कैसे कर लिया ये, इतना पावरफुल शॉट था, बहुत इजी कैच कर लिया तीक्ष्णा ने, बीच में आ गए वो, कार्तिक भी गोन। चलो भाई अभी विराट कोहली को इस बॉल पे ये मैच को ख़त्म कर देना चाहिए, 15 बॉल पे 5 चाहिए, ख़त्म करो कोहली भाई। लो भाई चौका मार दिया यहाँ पे, अभी ओनली 1 रन ही चाहिए आरसीबी को जीतने के लिए अपना पहला मैच। चलो भाई इस बॉल पे मैं सिंगल चुराने वाला हूँ, क्या ले पाऊँगा मैं सिंगल इस बॉल पे? वेल इजीली यहाँ पे इस सिंगल के साथ में आरसीबी ये मैच को जीत चुकी है। मत भागो यार, मैं सिंगल ही भाग रहा हूँ ठीक है। चलो भाई चेन्नई को उसके घर में जाके हरा दिया आरसीबी ने। विराट कोहली अंत तक टिके रहे, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था। लेट्स गो, 5 विकेट से पहला मैच जीत चुकी है आरसीबी। रजत पाटीदार बीच में बहुत सही खेला था, उसकी वजह से ही हम लोग जीते हैं अभी। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रजत पाटीदार ही बने हैं ठीक है। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग स्कोर कार्ड, तो यप पहला मैच तो ख़त्म हो चुका है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।